हम नसीब वाले हैं कि हम लोगों को संजय सर, संजय गुप्ता जो डायरेक्टर है हमारे, उन्होंने जो सॉन्ग के अंदर हम लोगों को भी एक मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ द वर्ल्ड ऐश्वर्या राय के साथ में हम लोग साथ में हमें उसमें फीचर किया है, जुबीन है उसमें, बहुत अच्छा जुबीन ने गाया है। फर्स्ट टाइम हम लोगों ने लिखा भी है गाना, द सॉन्ग द बंदिया इज रिटन बाय अस। हमें ऐसा लगा कि यार पहले हम लोगों ने मुखड़ा लिखा था, फिर एक अंतरा लिखा, फिर संजय सर ने बोला यार तुम लोग पूरा क्यों नहीं लिखते हो, बोला सर हमसे पूरा नहीं होगा। देन संजय सर बोला अच्छा ठीक है, किसी और को क्रेडिट नहीं देके मैं तुम्हारा साथ देता हूँ, एंड हमारे साथ उन्होंने बैठ के लिखा है पूरा गाना, जिसमें आप देखा जाएगा कि लिरिक्स आर रिटन बाय संजय गुप्ता एंड अमजद नदीम। तो थैंक्स टू संजय सर, ही हैज ऑलवेज सपोर्टेड अस, और हम 2 साल से उनके पीछे लगे थे, सर हमें काम करना है, हमें काम करना है, वी वर वर्किंग ऑन मुंबई सागा बेसिकली। जज्बा इज़ कम्प्लीट, अभी फिल्म रेडी हो गई है आज ही, इनफैक्ट मैंने फिल्म देखी, इट हैज़ कम आउट रियली वेल, क्वाइट एक्साइटेड, 9 अक्टूबर को रिलीज़ है। आई थिंक इट विल बी वेरी गुड, द रिस्पॉन्स विल बी वेरी गुड फ्रॉम द ऑडियंस, जैसा सोचा उससे काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट बन के निकला है, हमारे सबके जज्बे बुलंद हैं अभी फिलहाल, लेट्स सी, आई होप वी गेट द सक्सेस। प्रमोशन बहुत मायने रखता है, अभी से मतलब अभी 3 हफ्ते बाकी हैं फिल्म के लिए, तो हमारा प्रमोशन अभी से पूरा गियरअप हो जाएगा। आई थिंक प्रमोशन से एक ऑडियंस को अंदाज़ा हो जाता है कि फिल्म कैसी होगी, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एंड दैट इज़ वेयर दे मेक अप देयर माइंड। तो उनको जज्बा, बिकॉज ऐश्वर्या राय बच्चन का वापस कमबैक है, इरफान का, इरफान खान है, शबाना आज़मी जी हैं, सभी लोग हैं, तो इट्स अ गुड पैकेज एज अ फिल्म। Okay, we are in a club right now. Yeah, there's too much noise here. They're taking advantage of us. But yes, yes, we'll sing it. We'll sing it in more interviews. There's too much music behind. But still, she did a fab job. And I want to thank everyone in the film unit to shoot it so nicely. We are very happy with how it has been shot. You know. Well, I can just say that it's been wonderful working on Jazba with Sanjay and. I guess I'm as anxious now. Suddenly, the more you all say this to me, well, anxious as in, I think I'm just looking forward, you know. October is not far away, so looking forward now to the release and the final product as well. I haven't seen the final movie. We all had a good time making it, so now let's see. Looking forward. Actually, all on-stage pictures were also been out, whether you're shooting in Aroli studio at Taishir or somewhere on sets in South Mumbai. So does it really help the movie or it harms the movie at the end? We'll find out. We'll find out. But I think today it's getting more and more difficult to keep everything just exclusive only to the release on celluloid. That would be every filmmaker's, I'm sure, dream. But today with the smartphones, everybody's is the paparazzi. So it's very, very difficult to keep anything absolutely and completely away from the public eye until the release. इस फिल्म के गाने को बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, कल कहानियाँ लॉन्च हुआ है, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, क्या कहेंगे इस बारे में? म्यूजिक बहुत ही आई थिंक इट वाज अ शॉट दैट संजय हैड डिसाइडेड टू हैव for a part of the movie actually. He just wanted to show like a jog and all of that and just the basic stretches. But I think suddenly people think like this is the whole fitness regime, which kind of goes against what I've been saying all along that I haven't really been working out. So good, if it looks good, I'm glad on it. Thank you guys.